मदिरा शौकीनों के लिए पौड़ी से एक अच्छी खबर। जहां जनपदों की सरकारी शराब की दुकानों के ठेकेदारों ने 15 मई से शराब की दुकानों को बंद करने का ऐलान किया है, तो वहीं पौड़ी जिले में अभी तक किसी भी सरकारी शराब की दुकान के ठेकेदार ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। हालांकि सुबह से ही जनपद में 15 मई से शराब की दुकान बंद होने की बातें फैली हुई थी, जिस पर विराम लगाते हुए जिला आबकारी अधिकारी पौड़ी ने बताया कि जिले की कोई भी शराब की दुकान के ठेकेदार इस हड़ताल में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, जिसके कारण यह शराब की दुकानें अन्य दिनों की तरह 15 मई के बाद भी खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि अन्य जनपदों में कई जगह से ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि सरकारी शराब की दुकान के ठेकेदार 15 मई से शराब की दुकानों के शटर डाउन करने की बात कर रहे हैं, मगर जिले में ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के समय खुली शराब की दुकानों में अब तक जिले में 5 करोड़ का राजस्व सरकार को हो चुका है, जबकि इस माह 9 करोड़ का लक्ष्य जिले में रखा गया है, जबकि अभी महीना होने में भी काफी समय बाकी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में शराब की बिक्री कितनी बड़ी है, जिससे राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है। अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमारी सारी दुकानें खुलेंगी। कल के संबंध में किसी का अभी तक ऐसे सूचना हमारे पास नहीं है। देखिए, हमारी तरफ से तो जो राजस्व फिक्स हो चुका है, हम उसको उसके हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है। अगर कोई राजस्व देने में आनाकानी करता तो उसके खिलाफ जो है कार्यवाही की जाएगी। आपके सामने 9 करोड़ का है, हमारे पास 5 करोड़ अभी तक आ चुका है।